भाषण से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को वह खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कापी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की वे अन्य पार्टियों की भी इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस खासकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की वे अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की खासकर गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है जिससे देश की जनता जरूर सावधान देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ ये भारतीय संविधान है तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनसा वाला समतामूलक धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये बात भी सर्वविदित है कि इस संदर्भ में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था लेकिन श्री बीपी सिंह की बनी केंद्रीय सरकार में इसके लागू होने पर भी
तब फिर इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका पर्दे के पीछे से काफ़ी डटकर विरोध भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।